आइए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आप कैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इनमें जो सैनिक हैं हमारे भारत देश के जो किसी कारणवश शहीद हो गए हैं देश की सेवा करते हुए, तो उनके जाने के बाद आप यानी कि हम भारत देशवासी उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, ये अपन इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के बारे में। तो देखिए, सीआरपीएफ जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लार्जेस्ट आर्म्ड पुलिस फोर्स है और जो सीआरपीएफ का जो मेन काम रहता है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना रहता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी है उनकी पुलिस के साथ, या फिर फ्रेंड्स जो इंसर्जेंसी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं तो उनको काउंटर करने का काम हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवान करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो हमारे सैनिक हैं जो ड्यूटी करते समय देश के लिए शहीद हुए हैं उनकी मदद करनी है, तो आप फ्रेंड्स भारत के वीर .gov.in, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आके ही आपको डोनेशन करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो वीडियो है बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और उनको पता चल सके कि कैसे वो जो हमारे सैनिक हैं जो शहीद हो गए हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस वेबसाइट में जो ऑफिशियल गाइडलाइंस दी हुई है भारत सरकार के द्वारा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये गाइडलाइन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये अभी भारत सरकार ने इस वेबसाइट पे दी है। इन फ्यूचर हो सकता है ये गाइडलाइंस थोड़ी चेंज हो जाए, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाइए और पढ़ लीजिए कि उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या गाइडलाइंस दे रहा है। तो देखिए, गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, पहली गाइडलाइन, यू कैन डोनेट डायरेक्टली टू इंडिविजुअल्स ब्रेव हार्ट अकाउंट और मे डोनेट टू द भारत के वीर कॉर्पस फंड। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको जो हमारे सैनिक है उनकी मतलब जो शहीद हो गए हैं उनकी अगर फैमिली की हेल्प करनी है तो आप चाहें तो इस वेबसाइट के थ्रू एक पर्टिकुलर जो शहीद है उनके अकाउंट में डोनेशन दे सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट का यूज़ करके भारत के वीर कॉर्पस फंड में डोनेशन दे सकते हैं। तो ये जो भारत के वीर कॉर्पस फंड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा मतलब एक कॉर्पस है और समय समय पे ज़रूरत के हिसाब से इस कॉर्पस फंड से भारत सरकार पैसे निकालेगी और जो भी इन फ्यूचर अगर कोई सैनिक हमारा ड्यूटी करते हुए शहीद होता है तो उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगी या डोनेट कर देगी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर अगर आप सैनिक लेते हैं जो ड्यूटी करते समय शहीद हुए हैं तो उनके अकाउंट में मैक्सिमम टोटल डोनेशन जो है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 15 लाख रुपए है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स, टू इंश्योर मैक्सिमम कवरेज अ कैप ऑफ 15 लाख्स इज इन्विसाज्ड पर ब्रेव हार्ट एंड द डोनर वुड बी अलर्टेड इफ द अमाउंट एक्सीड्स 15 लाख्स so that they can choose to either decrease their contribution or divert part of the contribution to another Bravehearts account or to the Bharat Ke Veer corpus। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने ये मतलब सेट किया है कि एक शहीद के अकाउंट में मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो 15 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर जैसे समझ लीजिए आप डोनेट करने जब जाते हैं, अगर समझ लीजिए आप जो भी अमाउंट डोनेट कर रहे हैं
और आपके पहले भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपने जो भारत के देशवासी हैं उन लोगों ने डोनेट किया होगा। तो अगर समझ लीजिए 15 लाख के ऊपर वो डोनेशन चले जाता है तो उस केस में आपको ये वेबसाइट एक मैसेज दिखा देगी कि या तो आप जो अपना डोनेशन अमाउंट है उसको थोड़ा कम कर दीजिए, या फिर फ्रेंड्स आप जो डोनेशन अमाउंट है मतलब उसका कुछ पार्ट है जो भी आप डोनेट कर रहे हैं उसका कुछ एक पार्ट किसी दूसरे शहीद सैनिक के अकाउंट में डाइवर्ट कर दीजिए, या फिर फ्रेंड्स आपका जो डोनेशन अमाउंट है जो भी आप कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर पार्ट भारत के वीर कॉर्पस फंड में आप डाइवर्ट कर दीजिए। तो ये आपको मैसेज आ जाएगा इन केस अगर आप जिस भी सैनिक के अकाउंट में डोनेशन देना चाह रहे हैं उनके अकाउंट में अगर 15 लाख के ऊपर अगर अमाउंट एक्सीड होता है तो ये वेबसाइट आपको अलर्ट कर देगी। उसके बाद फ्रेंड्स है भारत के वीर कॉर्पस वुड बी मैनेज्ड बाय अ कमिटी मेड ऑफ इमिनेंट पर्सन ऑफ रिप्यूट एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन इक्वल नंबर हु वुड डिसाइड टू डिसबर्स द फंड इक्विटेबली टू द ब्रेव हार्ट्स फैमिली ऑन नीड बेसिस। तो देखिए फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि भारत के वीर जो कॉर्पस फंड जो मैनेज कर रही है भारत सरकार और इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं लोग वो बहुत ही अच्छे और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और नामी लोग हैं। तो मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाएगी और जो भी फंड उन लोग मतलब किसी भी शहीद के अकाउंट में देंगे मतलब उनके फैमिली को मतलब ज़रूरत के हिसाब से जो देंगे तो वो जो भी मतलब फंड रिलीज़ होगा वो बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के और एकदम बिना किसी प्रॉब्लम के बिना किसी भेदभाव के उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो ये जो पूरा मतलब जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं वो बहुत ही सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और साथ साथ में वो बहुत ही नामी और मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो मतलब आप जो भी यहाँ पर डोनेशन करेंगे उससे मतलब आपका मतलब जो अमाउंट है वो या तो कॉर्पस फंड में जाएगा या फिर डायरेक्ट ब्रेव हार्ट के अकाउंट में जाएगा, उसका कोई भी मिसयूज़ नहीं करेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा। फॉर ऑल कंट्रीब्यूशन मेड थ्रू दिस पोर्टल सर्टिफिकेट्स विल बी जनरेटेड ओनली इफ द ट्रांजेक्शन इज क्लियर थ्रू पेमेंट गेटवे। इट मे टेक 24 आवर्स टू 72 आवर्स इन सम केसेस। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जो भी पेमेंट आप इस पोर्टल के थ्रू करते हैं उसका एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि वो सर्टिफिकेट कैसा होता है और वो जो सर्टिफिकेट जनरेट तभी होता है जब आपका जो पेमेंट गेटवे है वो आपके डोनेशन को क्लियर कर देता है, मतलब वो क्लियर होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में जब वो अमाउंट पहुंच जाएगा तभी आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा और इस प्रोसेस को होने में 24 घंटे से 72 घंटे का समय लग सकता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर यूपीआई के बारे में बताना चाहूँगा। तो देखिए सर्टिफिकेट्स फॉर कंट्रीब्यूशन मेड थ्रू यूपीआई जो जिसका एड्रेस है भारत के वीर एट द रेट ऑफ SBI, ये यूपीआई आईडी है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इन फ्यूचर हो सकता है चेंज हो जाए तो आप इस वेबसाइट में आके चेक कर लीजिए कि यूपीआई आईडी क्या है। अगर ये डोनेशन देने की यूपीआई आईडी क्या है तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई यूपीआई का यूज़ करके डोनेट करता है तो उस केस में उस पर्टिकुलर पर्सन का जो सर्टिफिकेट है वो कुछ समय बाद जनरेट होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने वाले को सर्टिफिकेट थोड़ा टाइम ले सकता है जनरेशन में। उसके अलावा फ्रेंड्स और कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा और ये हो सकता है आपको थोड़ा मतलब काम की भी हो। देखिए यहाँ पर आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं मतलब जैसे समझ लीजिए आप एक जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं वो सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आपको उस पर छूट मिलेगी। बोलने का मतलब ये है कि जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाएंगे तो आप सेक्शन 80G के अंतर्गत आप छूट प्राप्त कर सकते हैं इनकम टैक्स से जो भी आपने यहाँ पर अमाउंट डोनेट किया है। और भी जानकारी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। उसके बाद फ्रेंड्स NRI जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है उनके लिए भी यहाँ पर एक दिया हुआ है फैसिलिटी।
NRIs होल्डिंग अकाउंट इन इंडियन बैंक्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे NRI ऐसे होते हैं जिनका भारतीय बैंक अकाउंट में, भारतीय बैंकों में अकाउंट रहता है, तो वो लोग भी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस वेबसाइट पे डोनेट कर सकते हैं। और साथ साथ में फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड होल्डर्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट विद देयर कार्ड्स। तो देखिए, जो NRI हैं या फिर समझ लीजिए कोई और भी पर्टिकुलर, मतलब दूसरी नेशनलिटी का अगर कोई पर्सन है जो जिसके पास इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, तो वो भी अपना कार्ड यूज़ करके इस वेबसाइट पे डोनेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उसमें जो भी आप डोनेट करेंगे यहाँ पर अमाउंट, उस पर आपको कुछ छूट मिलेगी आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय। तो देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये जो ऑर्डर है, ये मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब का ये ऑर्डर है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी इस पोर्टल के थ्रू डोनेट करता है उसको छूट मिलेगी। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप डोनेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू कंट्रीब्यूट, इस पर आप क्लिक कीजिए। या फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूट टू लिखा है और यहाँ ब्रेव हार्ट्स, ये जो ये लिखा है ब्रेव हार्ट्स का लिंक है, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर फ़िलहाल अभी कोई भी जो भी हमारे सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं उनका यहाँ पर डिटेल नहीं है, तो ये और इन फ्यूचर ना ही आए तो बहुत अच्छी बात है। बट जैसे समझ लीजिए कि कोई सैनिक ड्यूटी करते समय शहीद हुए हैं, तो उनका यहाँ पर नाम, फ़ोटो और पूरी डिटेल्स इस पेज पे आपको दिख जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो डिटेल कुछ किस प्रकार की दिखती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने यहाँ बहुत सारे ऐसे मतलब ब्रेव हार्ट्स हैं जो शहीद हुए हैं देश के लिए, और उनकी पूरी लिस्ट है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और इन लोगों के पास, मतलब इनकी फैमिली के पास 15 लाख रुपए जो मतलब डोनेट लोगों ने किए हैं अपने देशवासियों ने, इनके पास ये अमाउंट इनकी फैमिली के पास पहुंच गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पेज में जो डिटेल्स कुछ इस टाइप की दिखती है, जैसे ये जो अखिलेश कुमार पांडे जी हैं जो शहीद हुए हैं, ये आसाम राइफल्स में मतलब इनकी ड्यूटी थी। और देखिए, जिस दिन शहीद हुए हैं वो तारीख दिख रही है, कौन सी जगह ये शहीद हुए हैं ड्यूटी करते समय उस जगह का नाम लिखा हुआ है, जब वो शहीद हुए थे तो उनका मतलब उनकी एज क्या थी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नेटिव प्लेस वो कहाँ के थे तो यहाँ पर लिखा नहीं है, बट यहाँ पर डिटेल दी रहती है। डिपेंडेंट्स मतलब इनकी फैमिली में, मतलब इनके जाने के बाद इनके फैमिली में कौन कौन लोग हैं। तो देखिए, यहाँ पर इनका एक बेटा है जिनकी उस समय उम्र 5 साल थी, और एक बेटी है जिनकी उस समय उम्र 4 साल थी। और साथ साथ में ब्रीफ ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो ये शहीद हुए थे और मतलब किस कारण से, मतलब क्या हो ड्यूटी करते समय क्या हुआ था इंसिडेंट जिसके कारण ये शहीद हुए थे, तो ये आप ये सब डिटेल पढ़ सकते हैं। और इस पेज में फ्रेंड्स, ऐसे मतलब जो भी मतलब शहीदों की फ़ोटो या नाम या लिस्ट जो भी रहेगी, तो इसी टाइप की कुछ दिखेगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसी पेज में आपको कुछ एक डोनेट करने का बटन मिल जाएगा जो अभी नहीं दिख रहा है फ़िलहाल, पर यहाँ पर इस डोनेट करने का बटन आपको दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। और आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप ये जो हमारे वीर शहीद सैनिक हैं इनके अकाउंट में डोनेट कर पाएंगे, ताकि इनकी जो फैमिली है, डिपेंडेंट्स है, उनकी आप मदद कर सकें। इनकेस फ्रेंड्स, समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई भी नाम नहीं दिख रहा है किसी भी सैनिक का, और आप चाहते हैं कि आप भारत के वीर कॉर्पस फंड में डोनेट करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट टू में जाइए और भारत के वीर कॉर्पस फंड है, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको इस टाइप का कुछ पेज मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पे। इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर टाइप कीजिए और सेंड OTP कीजिए। तो ये जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, और जैसे ही सेंड OTP करेंगे, तो इस मोबाइल नंबर पे आपको एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जिसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप अगले पेज पर पहुँच जाएंगे
और अगले पेज पे जाके आपको जो भी अमाउंट डोनेट करना है वो आप डोनेट कर सकते हैं भारत के वीर कॉर्पस फंड में, या फिर फ्रेंड्स अगर आप जैसे किसी इंडिविजुअल ब्रेव हार्ट के अकाउंट में डोनेशन करना चाहते हैं तो उस केस में भी यही प्रोसीजर रहेगी। आपको मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है, और उसके बाद आपको डोनेट करना है। और साथ साथ में फ्रेंड्स आपको वहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस भी डालना पड़ेगा और अपना पैन कार्ड नंबर भी डालना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखिए कि पैन कार्ड नंबर आप सही तरीके से डालिए, क्योंकि आपको जो अगर जैसे समझ लीजिए इनकम टैक्स में अगर सेक्शन 80G के अंतर्गत छूट चाहिए तो आपका पैन नंबर जो है वो सही होना चाहिए। तो पैन नंबर आप सही तरीके से सही डाल दीजिए अपना, तो इससे इन फ्यूचर आपको इनकम टैक्स में अगर आप मतलब अपना रिटर्न भरते हैं तो आपको सेक्शन 80G के अंतर्गत छूट मिलेगी। उसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इफ़ ट्रांजेक्शन फेल्स एट एनी स्टेज एंड मनी इज़ डिडक्टेड फ्रॉम योर कार्ड अकाउंट प्लीज़ वेट एंड डोंट अटेम्प्ट फर्दर इट विल सक्सीड। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि कई बार ऐसा होता है कि आप जब डोनेशन करने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से, और समझ लीजिए कि आपके अकाउंट से पैसे कट गया है पर आपको इस ब्राउज़र में मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आपको एरर आ गया है पर आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, तो आप कुछ घंटे या कुछ दिन वेट कीजिए, क्योंकि अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गया है तो वो कुछ समय बाद बैंक ऑटोमेटिकली भारत के वीर कॉर्पस फंड या फिर ब्रेवहार्ट के अकाउंट में भेज देगा, नहीं तो आपको हो सकता है रिफ़ंड आ जाए कि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया था, आपके अकाउंट में वापस वो पैसे आ जाएंगे, और जब आपको रिफ़ंड हो गया है वो पैसा तब आप फिर से यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हैं। पर एकदम एरर आया, आपके अकाउंट से पैसे कट गए और उसी समय आप कुछ देर के बाद फिर से ट्राई करने लगे तो हो सकता है आपके अकाउंट से मतलब आपको डबल पैसे कट जाएँ, तो इसलिए मैं बोलूँगा कुछ घंटे या कुछ दिन वेट कर लीजिए और उसके बाद ही फिर से देखिए कि आपका अकाउंट में रिफ़ंड आया है कि नहीं, या फिर आपका पैसा कट के भारत के वीर कॉर्पस फंड में गया है कि नहीं। उसके अलावा फ्रेंड्स अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सर्टिफिकेट है वो जो जनरेट होता है इस वेबसाइट के थ्रू आपका डोनेशन क्लियर होने के बाद, वो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो देखिए यहाँ पर मतलब आपका नाम दिया रहेगा, यहाँ मैंने नाम छुपा दिया है, और साथ साथ में लिखा इस टाइप का सर्टिफिकेट रहेगा, और साथ साथ में आपने जो भी अमाउंट यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास वो वैल्यू यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो इस सर्टिफिकेट को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया में। इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप इन फ्यूचर इनकम टैक्स का रिटर्न भरने जाते हैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास तो ये सर्टिफिकेट दिखा के सेक्शन 80G के अंतर्गत आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही है ये प्रोसीजर कि आप कैसे जो हमारे वीर शहीद सैनिक है उनकी फैमिली की मदद कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे और हमारे जो वीर शहीद हैं उनके जाने के बाद उनकी फैमिली की, उनके डिपेंडेंट्स की मदद हो सके। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।